तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सबक इंशाल्लाह आयत नंबर 167 से। देखें हम कितना कवर करते हैं इंशाल्लाह। तो हमने पढ़ते आए हैं कि बनी इसराइल के बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया था और वो चुनी हुई कौम थी और अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें उनको अता की, कितनी ब्लेसिंग थी, लेकिन वो मुसलसल नाफरमानी करते रहे। फिर हमने उनके अजाब भी पढ़े कि वो बहुत सारे अजाब उन पे आए, उनमें से एक पिछली दफ़ा हमने पढ़ा कि वो बंदर बना दिए गए। और फिर आज की आयत पे भी यही है कि आप ससम के, अच्छा उनकी किताब तौरात में आप ससम की तमाम निशानियां थी। आप ससम आए, तशरीफ़ लाए, वो ऐसे पहचानते थे जैसे अपने, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वो आप ससम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी वो मान के ना दिए। और वही चीज़ अल्लाह ताला हम पढ़ेंगे आज के तदरसूना, तुम किताब को पढ़ते थे और किताब का हक नहीं अदा किया। तो आज हम जो है बनी इसराइल के वाक़यात के अलावा हक का तिलावत ही भी पढ़ेंगे कि कुरान को सुनने और पढ़ने के क्या एटिकेट्स हैं, क्या आदाब हैं, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह हमारा सबक आयत नंबर 167 से सूरतुल आराफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي। سورة الاعراف ہے ہماری اور ہمارا جزء پارہ نمبر 9 ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا سبق آیت نمبر 167 سے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں، पहले तिलावत सुन लेते हैं इंशाल्लाह। चलें तिलावत सुन लेते हैं। तो उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई दिया, तिलावत सुन लेते हैं। चले हम लोग रफ़्ज़ी तर्जुमा और रनिंग ट्रांसलेशन इंशाल्लाह सब देख लेते हैं। वह और इस जब ताज़ना खबर दी रब का आपके रब का आपके रब ने लयब असन्ना ल अलबत्ता नून पे शद है ना, तशदीद है, तो ज़रूर ज़रूर यब असा वो भेजेगा ना है ना, तो शद है तो ज़रूर लयब असन्ना अलबत्ता वो ज़रूर भेजेगा यानी अल्लाह ताला अलैहिम उन पर इला तक यौम दिन अलक़ियामती क़्यामत के इला यौमिल क़्यामती क़्यामत के दिन तक मन उसे जो यसूमुहुम चखाएगा उन्हें यसूमु चखाएगा हम उन्हें सुवा बुरा अल अज़ाब अज़ाब इन्ना पेशक रब का रब आपका रब का आपका रब का रब आपका लसरीउल इक़ाब ल अलबत्ता स सीन जहाँ भी आता है तो वो लसरी जो है उसका मतलब है सरी जल देने वाला लसरीउ अलबत्ता जल देने वाला है अल इक़ाब सज़ा और सरी जो है ना उसको भी कहते हैं ख़त सरिया। आप मक्का मदीना जाती होंगी तो हाईवे जो है ना एक्सप्रेस हाईवे तो वहाँ से तो जल्दी इंसान स्पीड से गुजरता है ना, वहाँ भी जल्दी गुजर रहा होता है स्पीड। आप शहर में इतनी स्पीड से नहीं चलती जितना हाईवेज पे चलते हैं। तो वो लिखा हुआ होता है एक्सप्रेस हाईवेज जो होते हैं उनको भी ख़त्त सरिया कहते हैं अरेबिक में। मक्का मदीना आप गई होंगी या वहाँ रहे होंगे तो बाय रोड आपने देखा होगा ख़त्त सरिया के एक्सप्रेस हाईवे। तो लसरीउ अलबत्ता जल देने वाला लिकाब तो
और इन्ना बेशक वो हु, इन्ना बेशक हु वो, हु की जमीर अल्लाह की तरफ जा रही, व इन्नहु और बेशक वो है, लगफूरुन ला अलबत्ता गफूरुन बहुत बख्शने वाला, रहीमुन नहायत रहम करने वाला, अल्लाह की सिफात यहाँ पे आ गई। रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं फिर आयत पे वापस आते हैं, रवा तर्जुमा इंशाल्लाह। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो कयामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बदतरीन अजाब देंगे, यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में तेज तेज रस्त है और यकीनन वो दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। तो हम आयत की तरफ आते हैं और देखते हैं, अब इसमें ये बताया गया है कि व इस तअज्जना रब्बुका, और वो वक्त याद करो, यानी वो वक्त भी याद करो जब आपके रब ने खताअज्जना यानी कि क्या की खबर दी, किसको खबर दी और क्या खबर दी, अलहिम उनको, उनको खबर दी इला यौमिल कयामत, कयामत के रोज तक। तो क्या खबर दी, यानी वो वक्त भी याद करो जब आपके रब ने इन यहूदियों को अच्छी तरह बाखबर कर दिया या जतला दिया, यानी कसम खाकर नहायत ताकीद के साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अब वो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वो क्या करेंगे, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लयब असन्ना अलैहिम यौमल कियामती, कि अल्बत्ता जरूर भेजेंगे अल्लाह ताला कयामत के दिन तक, कयामत के दिन तक मन यसूमुहुम सुअल अजाब, उसे जो चखाएगा उन्हें बुरा, यानी अल्लाह ताला कयामत तक उन पर जरूर बुरा अजाब भेजेंगे क्योंकि उनके जुर्म की पादाश में कि उन्होंने नबियों को कत्ल किया, उन्होंने सारी नेमतों के बावजूद अल्लाह को नहीं मान के दिया, जब भी मुसीबत आती तो कहते कालू दुलना रब्बा का, मुसा अपने रब को पुकारो, यानी रब को डायरेक्ट भी नहीं पुकारते थे। तो वो उन पर कयामत तक ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा जो उनको सख्त अजाब में मुब्तला रखेंगे। चुनाचे यहूदियों की पूरी तारीख जिल्लत और मस्कनत और गुलामी और महकूमी की तारीख है, जिसकी खबर अल्लाह ताला ने इस आयत में दी है। इसराइल की मौजूदा हुकूमत कुरान के बयान करदा इस हकीकत के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि वो कुरानी के बयान का बयान करदा इस्तिस्ना और वह हबलुम मिनन्नासी की मजर है। सूरतुल आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वह हबलुम मिनन्नास की मजर है, जो कुरानी हकीकत के खिलाफ नहीं बल्कि उसके ऐन मुताबिक है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनको अजाब चखाएंगे कयामत तक। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब जल्द ही सजा देने वाला है, आपका रब जल्द सजा देने वाला है, और वह इन्नहू लगफूर रहीम, वो वाकई बड़ी मगफरत और बड़ी रहमत वाला भी। जब वो अताब देता है, सजा देता है गुनाहों की पादाश में, तो वो बड़ी मगफरत वाला भी है और रहमत वाला भी है, वो बख्शने वाला भी और रहम करने वाला भी है। अगर तौबा कर ले और बाज आ जाए तो अल्लाह ताला बख्श भी देते हैं और रहम भी फरमा देते हैं। यानी अगर उनमें से कोई तौबा करके मुसलमान हो जाए तो वो जिल्लत और रुसाई से बच जाएगा, यानी अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं, ठीक है, और जो है गुनाहों की पादाश में जल्द ही सजा देता है, और अगर तौबा इस्तगफार कर लें तो वह इन्नहू लगफूरुर रहीम, तो वो जिल्लत और रुसवाई से बच जाएगा। अल्लाह ताला तो क्योंकि गफूर रहीम है, तो तौबा की और उन्होंने मुसलमान हुए तो जिल्लत और रुसवाई से बच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहीम है, गफूर और रहीम है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम जिल्लत और रुसवाई है। अल्लाह ताला ने यहूद को इतला कर दी कि उनकी इस सख्त नाफरमानी, बार बार की बगावत, और आप सारा वाक्य पढ़ते आए ना कि बार बार नाफरमानी और बगावत, बार बार की बगावत और हर मौके पर नाफरमानी, रब से सरकशी और अल्लाह के हराम को अपने काम में लाने के लिए हीला जोई करके उसे हलाल की जामा पोशी का बदला ये है कि कयामत तक तुम दबे रहो, जिल्लत में रहो, लोग तुम्हें पस करते चले जाएं, क्योंकि इन्होंने नाफरमानी की थी ना, अभी हमने उस पर पढ़ा था कि हीला साजी की थी, सब के दिन मछली पकड़ने से मना किया गया, तो उन्होंने जुमे की रात को गड़े खोद देते थे कि हफ्ते को जब बहुत सारी मछलियाँ आती वो जमा हो जाए, तो तुम कयामत तक तुम बे दबे रहो, जिल्लत में रहो, लोग तुम्हें पस करते चले जाएं। खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन पर तावान मुकर्रर कर दिया था, 7 साल या 13 साल तक ये उसे अदा करते रहे, फिर
सबसे पहले खराज का तरीका आप ही ने ईजाद किया, यानी मूसा अलैहि सलाम ने। आपको पता है ना कि गैर आप ससम के ज़माने में भी अल्लाह ताला ने कुरान में के ज़रिए आप ससम से फरमाया था कि उनसे कहा जाए कि जब मक्का फतह हो गया कि 4 महीने की मोहलत दी जाती है, या तो मुसलमान हो के दीन में दाखिल हो जाएं, या ये ज़मीन छोड़ दें, या जो है तावान दें, जजिया दें। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये खराज का तरीका ईजाद किया गया। फिर उन पर यूनानियों की हुकूमत हुई, फिर किसरानियों, कल्दानियों, नसरानियों की हुकूमत हुई। सबके ज़माने में जलील और हकीर रहे। और आपको पता है ना, 40 साल वो निकलते थे अपने मुल्क जाने के लिए, फिर जहाँ से चलते थे वहीं आ जाते थे। फिर एक नस्ल उनकी ख़त्म हुई, वो सब मर गए पिछले जो 40 साल पहले के थे। फिर नई नस्ल जो है वो पैदा, मतलब बड़ी हुई, जवान हुई। आपने पढ़ा था दौरा कुरान में भी, फिर यशु बिन नून की क़यादत में उन्होंने अपने मुल्क में दाखिल हुए थे। तो फिर इन पर यूनानियों की हुकूमत हुई, फिर कसरानियों की, कल्दानियों की, नसरानियों की। सबके ज़माने में जलील और हकीर है, उनसे जिज़िया लिया जाता रहा और उन्हें पस्ती से उभरने का कोई मौका ना मिला। फिर इस्लाम आया, उसने भी उन्हें पस किया, जिज़िया और खराज बराबर उनसे वसूल होता रहा। गर्ज ये जलील रहे और इस उम्मत के हाथों भी हकारत के गड़े में गिरे रहे। बिल आखिर ये दज्जाल के साथ मिल जाएंगे, लेकिन मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जाकर उनकी तखम रेजी कर देंगे। और आपको ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक पढ़ा पता है, हम हदीस मुबारक देखते हैं स्क्रीन पे कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे आके। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफून मरवी है कि अम्बिया अल्लाती बाप की तरफ से भाई हैं, उनकी माएँ अलग अलग हैं, लेकिन उनका दीन एक है, और मैं ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हूँ। आप सब फरमाते, क्योंकि मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं, वो आसमान से उतरेंगे, जब तुम उन्हें देखोगे तो उन्हें पहचान लेना, वो दरमियाने कद के होंगे, उनका रंग सुर्ख सफ़ेदी माइल है, जर्दी माइल है, वो चादरों में मलबूस होंगे, गोया के उनके सर से पानी टपक रहा होगा, अगरचे उनके सर में पानी नहीं होगा, वो लोगों से इस्लाम पर खिताल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, वो क्रूसिफिक्स है ना ईसाइयों के, आपको पता है, जो गले में भी पहनते हैं वो लोग, खंजीर को कत्ल कर देंगे और जिजिया ख़त्म कर देंगे। जिजिया क्यों खत्म कर देंगे? क्योंकि जिजिया लेना ही नहीं पड़ेगा, गैर कौमों से, गैर मुस्लिम से लिया जाता है ना, तो सारे मुसलमान हो जाएंगे, तो जिजिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अल्लाह ताला उस जमाने में इस्लाम के अलावा तमाम मजाहिब को खत्म कर देगा और अल्लाह ताला मसीह दज्जाल को हलाक कर देगा, कि उनके दौर में हलाक होगा। जमीन में अमन कायम हो जाएगा, हत्ता के शेर ऊंटों के साथ, चीते गायों के साथ और भेड़िए बकरियों के साथ चरा करेंगे, बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, लेकिन वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस जमीन में 40 साल रहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, फिर फौत हो जाएंगे और मुसलमान उनका जनाजा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ भी देखते हैं, बिलाखिर ये दज्जाल के साथ मिल जाएंगे। और आपको पता है कि हर दरख्त दरख्त कहेगा कि ए मोमिन, ए मुसलमान, इस दरख्त के पीछे यहूदी छुपा हुआ है, लेकिन गरकत का दरख्त है वो नहीं कहेगा, इसीलिए वो बहुत उसकी प्लांटेशन हो रही है। बिलाखिर ये दज्जाल के साथ मिल जाएंगे, लेकिन मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जाकर उनकी तखमरेजी कर देंगे। जो भी अल्लाह की शरीयत की मुखालफत करता है, अल्लाह के फरमान की तहकीर करता है, अल्लाह उसे जल्दी सजा दे देता है। जो उसकी तरफ रगबत रुजू करे, तौबा करे, झुके, तो वो भी उसके साथ बख्शिश और रहमत से पेश आता है। चूंकि ईमान नाम है खौफ और उम्मीद का, इसीलिए यहाँ और अक्सर जगह अजाब, सवाब, पकड़, डकर और बख्शिश और लालच दोनों का एक साथ बयान हुआ है। और मोमिन की जिंदगी जो है वो खौफ और लालच, तमा लालच और खौफ के बीच में होना चाहिए कि मैं अगर बुरा काम करूंगा, जैसे अल्लाह ताला ने अभी आयत में हमने पढ़ा कि सरीउल इक़ाब है, जल्दी सजा दे देता है ना, पकड़ लेता है, और उसके साथ साथ अगर तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, तो बख्शने वाला और गफूर रहीम भी है। ठीक है, मेहरबान भी है। तो मुसलमान और मोमिन जो होता है वो जो है तमा लालच और खौफ के बीच में जिंदगी गुजारता है कि अगर मैंने गुनाह किया तो अलबत्ता वो जल्द सजा देने वाला है, सरीउल इक़ाब है, और अगर मैंने तौबा इस्तिगफार कर ली, अच्छे काम किए, दीन पे चला, तो वो गफूर रहीम भी है, वो बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। तो अक्सर जगह अजाब, सवाब, पकड़, डकर और बख्शिश और लालच दोनों का एक साथ बयान हुआ। यहाँ भी यही अल्लाह की सिफात बताई गई। अब आयत नंबर 168 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं इंशाल्लाह हम। वक़ता ना हूँ व और कता ना, टुकड़े टुकड़े कर दिया ना हमने हम उन्हें। कितने सारे वर्ड्स हैं ना, कता ना हूँ, किता किता कहते हैं टुकड़े को, काफ तो आइन इसका रूट वर्ड है, किता किता टुकड़े,
और टुकड़े टुकड़े कर दिया हमने उन्हें फिल अर्दी जमीन में उममन ग्रोह ग्रोह बनाकर मिन हुम मिन से हुम उनमें मिन हुम उनमें से कुछ अस्सालिहून नेक हैं व मिन हुम व और मिन हुम उनमें से कुछ दून अजालिका इसके अलावा हैं व बलौ ना हुम और आजमाया हमने उन्हें व और बलौ ना बला से आजमाया ना हमने हुम उन्हें व बलौ ना हुम और आजमाया हमने उन्हें बिल हसनाती बी सात अल हसनात अच्छाइयाँ बिल हसनाती सात अच्छाइयों के हसनात हसन जमा है व सही आती व और असयात बुराइयों के लाल लहुम लाला शायद के हूँ वो यर जियोन वो रुजू करें। तो रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं रवा तुर्जुमा। और हमने हमने उनको ज़मीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया कुछ लोग उनमें नेक थे और कुछ उससे मुख्तलिफ और हम उनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुबतला करते रहे कि शायद ये पलट आए। तो आजमाइशें क्यों आती है कि अल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें अल्लाह की तरफ पलटें। तो अब हम देखते हैं इसमें कि वक़ता ना हूँ फिल अर्दी उमूमन हमने दुनिया में उनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी उमूमन ग्रो ग्रो कर दिए जमातें कर दी मिन हम अस्सालिहून बाज़ उनमें नेक थे व मिन हम दूना ज़ालिका और बाज़ उनमें और तरह के थे ठीक है व बलौ ना हम और हमने उनको आजमाया बिल हसनाती व सयाती खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे क्यों आजमाते रहे लाल लहुम यरजीऊन शायद कि वो बाज आ जाएं अपनी नाफरमानी की और सरकशी की रविश से बाज आ जाएं। तो इसमें यहूद के मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाने उनमें से बाज के नेक होने का जिक्र है उन दोनों तरीकों से आजमाए जाने का बयान है हसन अच्छाई से भी बुराई से भी अल्लाह ताला ने उनको आजमाया ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और अल्लाह की तरफ रुजू करें उनको खुशहाली भी दी बदहाली भी दी और सारे वाक़यात आप पढ़ते चले आए हैं। तो हम देखते हैं ये आयत नंबर 168 के बनी इसराइल मुख्तलिफ फ़िरक़े और ग्रो करके ज़मीन में फैला दिए गए। तो स्क्रीन पे हम देखते हैं हदीस मुबारक अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरफून मरवी है कि यहूदी 71 फ़िरक़ों में तकसीम हुए। यहूदी कौन होते हैं ज्यूस और ईसाई कौन होते हैं क्रिश्चन। ईसाई 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। हम भी उनसे आगे हैं पीछे नहीं है। तो ये सारी वार्निंग्स हैं हमें कि हमें बचना चाहिए। उसके बाद बनी इसराइल मुख्तलिफ फ़िरक़ों ग्रो करके ज़मीन में फैला दिए गए जैसे फरमान है कि हमने बनी इसराइल के से कहा तुम ज़मीन में रहो सो जब आखरत का वादा आएगा हम तुम्हें जमा करके लाएंगे उनमें कुछ तो नेक थे कुछ बद थे। अच्छा ये कहाँ आता है ये किस आयत में कहाँ किस सूरत में आता है कि यही चीज़ कि उनमें कुछ बद थे और कुछ नेक थे किसी को याद आ रहा है। हमारी वो बहन है किसी को याद आ रहा है कहाँ आता है ये उनमें कुछ नेक थे कुछ बद थे। जिन्नात में ये जिन्नात के लिए भी आता है जिन्नात में भी यही हाल है जैसे सूरत तो जुन में उनका अक्वाल है कि हम में कुछ तो नेक हैं और कुछ और तरह के हैं हमारे भी मुख्तलिफ फ़िरक़े होते हैं। फिर फरमान है कि हमने उन्हें सख्ती नरमी से लालच और खौफ से आफियत और बला से गर्ज हर तरह पर परख लिया ताकि वो अपने करतूत से हट जाए जब ये ज़माना गुजरा जिसमें नेक और बद हर तरह के लोग थे उसके बाद तो ऐसे नाखल्फ और नालायक आए जिनमें कोई भलाई और खैरियत थी ही नहीं ये अब तौरात की तिलावत वाले रह गए। मुमकिन है इससे मुराद सिर्फ नसरानी हो मुमकिन है कि ये खबर आम नसरानी गैर नसरानी सब पर मुश्तमिल हो वो हक बात को बदलने और मनाने की फिक्र में लग गए जब भी जेब जेब भर दो जो चाहो कह लो यानी कि रिश्वत लेना तौबा कर लेंगे माफ़ हो जाएंगे फिर मौका आया फिर दुनिया लेकर अल्लाह की बातें बदल दी गुनाह किया तौबा की फिर मौका मिलते लपक कर गुनाह कर लिया मकसूद उनका दुनिया तलबी हलाल से मिले चाहे हराम से फिर भी मफरत की तमन्ना है ये है जो वारिस रसूल कहलवाते हैं और जिनसे अल्लाह ने अहद लिया था बनी इसराइल के बारे में हम ये सब पढ़ रहे थे पता ही आपको। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं आयत 169 169 में सारा आज हम पढ़ेंगे उस पर किस पर।
कुरान का हक्का तिलावती, ठीक है। फ़खलफ़ा, फ़ तो खलफा पीछे आए, मिम बादिहिम बाद उनके, खल्फुन ना खल्फ, वरिसू जो वारिस हुए, अलकिताबा किताब के, या खुजूना वो ले लेते हैं, अरदा मालो मता, हाजा इस, अल अदना हकीर दुनिया की, व यकुलूना व, और यकुलूना वो कहते हैं, सयुग फरू जरूर बख्श दिया जाएगा, लना हमें, ला तो होता है लिए, ना हमारे लिए हमारे, ठीक है, लना हमें, तो कॉन्टेक्स्ट में ये हमें हो गया, वह और इन अगर, यातिहिम आता है उनके पास, अरदुन मालो मता, मिसलू मानिन उसी के, या खुजूहू वो ले लेते हैं उसे, अलम अ क्या, लम नहीं, यु खत लिया गया, अलैहिम उनसे, मीसाकू पुख्ता अहद, अलकिताबी किताब में, अन के, ला ना यकूलू वो कहें, ला यकूलू ना वो कहें, अलल्लाही अल्लाह पर, इल्ला सिवाय, अलहक का हक के, व दरसु वो, और दरसु उन्होंने पढ़ लिया था, मा जो फी ही इसमें है, व दारू व, और अद्दारू घर, घर, अल आखिरतु आखरत का, खैरुन बेहतर है, लिल्लदीना उनके लिए, जो यत्तकूना डरते हैं, अफला अ क्या, फ भला, ला नहीं, अफला क्या भला नहीं, ताकिलून तुम अकल रखते, ता तुम ताकिलून तुम अकल रखते हो। तो हम देख लेते हैं रनिंग ट्रांसलेशन, फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखल्फ लोग उनके जानशीन हुए जो किताबे इलाही के वारिस होकर इसी दुनियाए धनी के फायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि तवक्का है हमें माफ कर दिया जाएगा, और अगर वही मताए दुनिया फिर सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं, क्या उनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका है कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है, आखरत की कयामगा तो खुदा तरस लोगों के लिए ही बेहतर है, क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते। अब हम आयत की तरफ आते हैं, अच्छा अब हम देखते हैं, फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके जानशीन हुए कि किताब उनको उनसे हासिल किया, वो उस दुनियाए फानी का माल मता लेते हैं, फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन के, तो पीछे आए बाद उनके नाखलफ लोग, फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके जानशीन हुए, कैसे लोग, वरिसुल किताबा जो या खुजूना अर्दा हाजल अदना के, उन्होंने वो उस दुनियाए फानी का माल मता लेते थे, यानी क्या करते थे कि अब देखिए खल्फ जो है ना, खलफा, खलफा को देखें, फा को हटा लें अगर, तो खलफा, खलफा लाम पर फत्ता के साथ है, लाम पर जबर है, ठीक है, तो उससे मतलब होता है औलादे सौले सौले, ठीक है, तो खलफा तो पीछे आए, वो खुद तो नेक थे जो पर पिछले लोग थे, ठीक है, क्योंकि लाम पर जबर बता रहा है कि औलादे सौले को कहते हैं खलफा, लाम पर फत्ता, ठीक है, फिर तो उनके बाद जो है, अच्छा खलफा मिन बादिन तो पीछे आए बाद उनके खल्फुन ना खल्फ लोग, अब खल्फुन को देखें, खल्फुन पे लाम पर क्या है, सुकून है, जज़म है, ठीक है, तो उर्दू में भी नाखल्फ की तरकीब नालायक औलाद के मानी में मुस्तमिल है, तो खलफा जो है उसका मतलब हुआ लाम पर फत्ता के साथ औलादे सवाले, और खलफुन जो है नालायक औलाद को कहते हैं, ठीक है, उर्दू में भी नाखल्फ की तरकीब नालायक औलाद के मानी में मुस्तमिल है। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फरमाया कि या खुजूना अरदा हाजल अदना, वो ले लेते हैं मालो मता इस हकीर दुनिया का, तो अदना जो है, अदना का लफ्ज देखें, दनु से है, रूट वर्ड इसका है दाल नून वाव, ठीक है, इसमें हरूफ इल्लत है, दाल नून या नहीं कहेंगे, दाल नून वाह वाव आ गया, अच्छा तो अदना दनु करीब से माखूज है, यानी करीब का माल हासिल करते हैं जिससे दुनिया मुराद है, अब दुनिया में तो आपको देखे ना फौरन फायदे नजर आते हैं ना, तो बाद दीन को भी छोड़ के सारे हलाल रिस्क भी छोड़ के हराम ले लेते हैं क्योंकि दुनिया के फायदे होते हैं, तो दुनिया दनुस है, दुनिया करीब है ना, दुनिया इस वक्त हमसे करीब है, दुनिया में नजर आ रही, वो जो आखिरत के फायदे हैं वो तो हमसे
गैब है, जन्नत के फायदे हैं वो तो गैब में, वो तो नजर नहीं आए, तो इंसान जो है वो ले लेता है, वो मालो मता ले लेता है जो अदना है, जो करीब है। ठीक है, तो दुनिया करीब है, तो अदना दनू करीब से माखूज है, यानी करीब का माल हासिल करते हैं जिससे दुनिया मुराद है। ये दना अतुन से माखूज है जिससे मुराद हकीर गिरा पड़ा माल, मतलब दोनों से इस दुनिया के मालो मता की हिर्स की वजाहत है कि ये क्या करते हैं, दुनिया के मालो मता की इनको हिर्स है। और जन्नत में तो एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए तो दुनिया और माफिया से बेहतर है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर इनके बाद ऐसे लोग उनके जानशीन हुए कि किताब को उनसे हासिल किया, वो इस दुनियाए फानी का माल मता लेते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, वह यकूलूना, वो कहते हैं हमारी जरूर मगफरत हो जाएगी, वह यकूलूना सयगफरु लना, के हमारी जरूर मगफरत हो जाएगी। वो कहते हैं कि ये यानी तालिब दुनिया होने के बावजूद, यानी हम दीन को छोड़ के दुनिया के तालिब हो गए उसके बावजूद मगफरत की उम्मीद रखते हैं, जैसे आजकल के मुसलमानों का भी यही हाल है। कोई बात नहीं, कलमा शहादत तो पढ़ लिया है, एक दफा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो जन्नत में चले जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला तो चले जाएगा, कहते हैं ना वो लोग, और राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो जन्नत में चले जाएंगे। तो ये मीठी मीठी हदीस सुन के वो इस तरह कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, चाहे हलाल हराम का फर्क मिटा दें, दुनिया के अखीर फायदे हासिल करने के लिए बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, सारी फैसिलिटीज हो, हराम बिजनेस कर लें, हराम काम कर लें, कुछ भी कर लें, कोई बात नहीं, कलमा पढ़ने वाले अल्लाह हमें माफ कर देगा, राय के दाने के बराबर ईमान माफ। लेकिन ये नहीं समझते कि हम जो हमारे गुनाह होंगे, तो जो ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के काम करेंगे अल्लाह की नाफरमानी के, मुसलमान भी, तो वो अपने गुनाहों के अमाल की पादाश में जो है अजाब भुगतेंगे, पहले उनको सजा दी जाएगी, फिर अल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि जन्नत में डालेंगे, क्योंकि राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो जन्नत में जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला भी जन्नत में चला, जो एक बार भी कहा चला जाएगा। तो लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे वो लोग जो है अपने अमल की पादाश में सजा भुगतेंगे। तो वह यकूलूना सयुग़फ़रु लना, के वो कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला हमारी जरूर मगफरत हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हालांकि अगर उनके पास वैसा ही माल मता आने लगे तो उसको भी ले लेंगे, कि क्या कहते हैं अल्लाह ताला, वही या तीम अर्दुन मिसलू या खुजू, तो हालांकि अगर उनके पास वैसा ही माल मता आने लगे तो उसको भी ले लेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उनसे इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं लिया गया था, अलम यू खजा अलही मीसाकुल किताबी, क्या उनसे इस किताब के मजमून का अहद नहीं लिया गया था, क्या ले गया गया था, क्या अहद लिया गया था, कि अल्लाह की तरफ से बजज हक बात के और किसी बात की नस्बत निस्बत ना करें, अल्लाह यकूलू अल्लाह इल्लल हक, के अल्लाह की तरफ से बजज हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करें। ठीक है, यानी तालिबे दुनिया, यानी इसके बावजूद वो अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करने से बाज नहीं आते। अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह की तरफ क्या करेंगे, हक बात कहेंगे, अल्लाह की जो है तरफ से हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके बावजूद वो अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करने से बाज नहीं आता है। मसलन वही मगफरत की बात जो ऊपर गुजरी है कि चाहे हम कुछ भी करें जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि कलमा पढ़ लिया और राय के दाने के बराबर भी ईमान हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ लिया, वह दरसु माफी ही, ठीक है, उसको पढ़ लिया, यानी कि इसका एक दूसरा मफहूम ये है, मफहूम है मिटाना भी हो सकता है, जैसे दरसती रीहुल आसारी, हवा ने निशानात मिटा डाले, हवा चलती है तो क्या होता है, सब कुछ उड़ जाता है, खेमे आपने लगाए हों, कुछ भी रास्ते में लगाया हो, तो हवा क्या करती है, दरअसती रीहुल आसारा, के हवा ने सारे आसार मिटा दिए, निशाना मिटा दिए, यानी किताबों, यानी किताब की बातों को मिटा डाला, महू कर दिया, यानी उन पर अमल तर्क कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और आखरत वाला घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं, फिर क्या तुम नहीं जानते, वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकूना, तो आखरत वाला घर उनके लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं। और सूरतुल बकरा के शुरू में ही हमने पढ़ लिया था कि कौन है, अल्लज़ीना यूमिनूना बिलगैब व यकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, है ना, और आखरत पे भी ईमान रखते हैं, जो रिस्क अल्लाह ने दिया उसमें से खर्च करते हैं,
सारा हमने सूरह बकरा के शुरू में भी है, और अल्लाह से डरते डरते रहते हैं। तो तकवा क्या है कि अल्लाह से डरना, अल्लाह से डर के गुनाह के काम नहीं करना, तो अल्लाह ताला राजी होंगे और हमें जन्नतुल फिरदौस में जन्नत में जगा देंगे। अफलात ताकिलून, फिर क्या तुम नहीं समझ रखते, क्या तुम अकल नहीं रखते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्क्रीन पे दरसू का लफ्ज आया था, तो हम देखते हैं कि हक्का तिलावत ही क्या है ना, कि उन्होंने हक नहीं अदा किया किताब का, कि उनकी तौरात में था आप ससलम आएंगे, बल्कि निशानी भी थी कि बड़े बड़े दरख्त वाली जमीन होगी, इसलिए वो मदीने में आके ठहर गए। लेकिन जब आप तलसम तशरीफ लाए, आप तलसम मबूस अल्लाह ताला ने फरमाया, तो उनको बस एक वो हो गया, हसद और जेलसी हो गई कि हमारी किताब में मौजूद है, तो बनी इसराइल में पैगंबर क्यों नहीं आए और बनी इसमाइल में क्यों आ गए। तो अब ये जो हमारी आयात है, इसको हम देखते हैं कि हक्का तिलावत ही क्या है जो अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं। अलम यू, और हमारे लिए भी, अलम यू खजा अलैहिम मीसाकुल किताबी, क्या उनसे इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं लिया गया। अल्लाह यकूलू अल्लाह इल्लल हक, अल्लाह की तरफ से बजस हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करें, सिर्फ हक कहना है। वह दरसू माफी है, और इन्होंने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ भी लिया था। तो हम देखते हैं कि दरसू माफी है, जो कुछ पढ़ लिया हमने, तो कुरान को पढ़ने सुनने और उसके क्या एटिकेट्स हैं, क्या आदाब हैं। तो हम देखते हैं कि कुरान सीखने वालों की अकसाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तालमुल कुरान, कुरान सीखो, वसलुल्लाह बिल जन्नता, और उसके जरिए अल्लाह से जन्नत का सवाल करो। मुझे पता है आपको अरबी समझ में आती, ठीक है, उससे उसके जरिए अल्लाह से जन्नत का सवाल करो। कबला अन यतअल्लमू, हाँ उससे पहले, हाँ इससे पहले कि वो लोग कुरान सीखें, कौन लोग कुरान सीखें, कौमू यसलूना भी दुनिया, जो कुरान के जरिए दुनिया का सवाल करेंगे। फ़ैन अल कुरआना यतअल्लमा सलासतु, बेशक कुरान तीन किस्म के लोग सीखते हैं। रजुलुन युबाही बिही, वो आदमी जो कुरान के जरिए अपनी बड़ाई जताता है, तो कुरान इसलिए भी नहीं सीखना कि हम जाहिलों पे आयतें पेश करें और बड़ाई जताएं और आलिमों से बहस करें। वह रजुल यस्ताकिलु बिही, और वो आदमी जो कुरान के जरिए खाता है, और कुरान के जरिए खाता है यानी कि अगर आपके पास मालूमत आए, आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं, तो कुरान की फीस ना ले। हाँ लेकिन भीख मांगने से बेहतर है, कुछ भी रोजी का जरिया नहीं है तो तजवीद पढ़ा दी, कुछ कर दी तो पैसा ले लिया, क्योंकि फकीर और भीख मांगना अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। रजुल यकरहु लिल्लाह, वो आदमी जो कुरान अल्लाह के लिए पढ़ता है। तो क्या है, थर्ड वाला आदमी बहुत अच्छा है कि जो सिर्फ अल्लाह के लिए कुरान पढ़ता है। तो कुरान पढ़ने वाले तीन तरह के होंगे, वो आदमी जो कुरान के जरिए अपनी बड़ाई जताता है, और वो आदमी जो कुरान के जरिए खाता है, वो आदमी जो कुरान अल्लाह के लिए पढ़ता है। तो सबसे पहले फरमाया कि कुरान सीखो और उसके जरिए अल्लाह से जन्नत का सवाल करो। तो तिलावत करने के बाद भी दुआ किया करें, क्योंकि तिलावत के बाद दुआ कबूल होती है। जन्नत का सवाल करें, दुनिया और मुश्किल आखरत की मुश्किलों के सवाल करें, जो आपको मांगना हो दुनिया और आखरत की भलाइयाँ मांग लें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन दीकी दुनिया व दीकी अज़ाबिल क़ब्र व दीकी क़यामा, ये आप सुबह उठते हुए पढ़ती है ना, ठीक है। अब मिसाली तालबे इल्म तिलावत कुरान सुनने का तरीका, ठीक है। अब क्या तरीका, यहाँ जो दरसू से बात हुई थी ना अभी आपने, देख तिलावत का हक अदा करने से मुराद, नंबर एक, खूब तवज्जो और गौर से पढ़ते हैं, जब जन्नत का जिक्र आता है तो जन्नत का सवाल करते हैं, जहाँ जहन्नुम का जिक्र आता है तो उससे पनाह मांगते हैं। ये आप नफली नवाजों में करेंगी, ठीक है, और जन्नत का जिक्र आएगा तो सुभान अल्लाह कहेंगी, जन्नत तलब करेंगी। फर्ज नमाजों में हम नहीं मांग सकते। और फिर जो है, जब जहन्नुम का जिक्र आएगा तो अस्तगफिरुल्लाह कहेंगी। आप ससम की सुन्नत है, उसके हलाल को हलाल, हराम को हराम समझते हैं, हलाल हराम का सारा उनकी सजा हम पढ़ते चले आए बनी इसराइल की, इसमें जो कुछ तहरीर है लोगों को बतलाते हैं, इसकी कोई बात छुपाते नहीं। अगर मैं पर्दा नकाब नहीं कर रही हूँ तो मैं नहीं छुपाऊंगी, खाली मैं कवर करी, लेकिन मैं पर्दे के आयत यानी जो काम मैं नहीं भी कर रही हूँ तो उसको बताने से ही अल्लाह का फजल हो जाएगा। मैं और मेरी फैमिली, मतलब हम सब की बात हो रही है, मेरी अकेली की नहीं, करने लगे इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं छुपाना, उसकी महकम मोहकम बातों पर अमल करते हैं, मुतशाबहात पर ईमान रखते हैं। अच्छा कोई अनम्यूट करके बताएं कि मोहकम बातें क्या हैं।
एक एक करके बताओ, मुहकम क्या है? जो अहकामात आए हैं अहकामात, कुरान, हुक्म दिए जो अहकामात गए जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हैं। जकात अदा करना। जजाक अल्लाह खैर। दोनों सिस्टर, सब सिस्टर्स को आता है, लेकिन जाहिर है कि जो पहले बोल पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जजाक अल्लाह खैर। अब मुझे ये दो सिस्टर्स बोल चुकी हैं, अब मुतशाबिहात कोई और बताए, मुतशाबिहात से क्या मुराद है? जी, मुतशाबिहात मुहकमात तो बता दी, मुतशाबिहात कौन सी आयत है? हाँ, जैसे कि आपको पता है जहन्नुम के दारोगा 19 होंगे, और कयामत के दिन 8 फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया होगा, ठीक है? ये सारी चीजें, ठीक है? तो इसमें लोग शक में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते, युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। अल्लाह ताला बहुत सो को हिदायत दे देते हैं इन बातों से कि हाँ, हमारे रब ने कह दिया तो बस ठीक है। और उन लोगों ने क्या एतराज किया था? अच्छा, इतनी बड़ी जहन्नुम के सिर्फ 19 दारोगा, अल्लाह के लिए तो वो दारोगा भी ना रखे, वो तो कह दे कुन फयकुन, उसको तो कुन फयकुन कहने की जरूरत है। इसकी एक एक बात का इतबा करते हैं, यानी पैरवी करते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं। अतीउल्लाह वतीउर रसूल, अल्लाह और रसूल की अतात करना। अब हक का तिलावती ही, अब किताब का, कुरान का तिलावत का हक क्या है? कैसे हक होगा? हलाल को हलाल, हराम को हराम समझते हैं, यानी उस पर अमल भी करना है। मुझे कुछ बहनों की आदत इसी ग्रुप में हमारे इतनी पसंद है कि वो गोश्त भी लाती हैं, तो इतनी तहकीक से लाती हैं कि, और मुझे उनके अल्फाज भी बहुत बहुत पसंद आए, हमारी बहन के, अस्मा बहन के, कि जब कपड़ों में हर चीज़ों में इतनी कोशिश करते हैं तो क्यों ना इस पर। मुझे मालूम है सब बहनें कर रही हैं, लेकिन ये होते हैं बार दफ़ा कोई जुमला जाके टच कर जाता है। वो सबके लिए, हम सबके लिए, माशाल्लाह हम सब कुरान के पढ़ने वाली, सब लोग करते हैं, सब एहतियात करते हैं, तो खूब तवज्जो। अच्छा, अब ये है कि जब बच्चे जाने लगते हैं ना जॉब वगैरह पे, तो आप ज़रूर देखा करें कि वो अगर अपनी जो उनकी बंधी हुई वेजिस हैं, वीकली हो, मंथली हो, बाई वीकली हो, अगर कुछ ज़्यादा आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें शौहर को भी कि भाई ये कहाँ से आ गया। हम हक रखते हैं ना, हम घर में बच्चों की, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी रैयत है, तुम्हारी रियाया के मुतालिक तुमसे सवाल होगा तो ज़रूर देख। छोटा बच्चा है, एक्स्ट्रा पेंसिल आ गई, शार्पनर आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन वो ये कि अब तो, ताकि बच्चों को पता चले कि हमें कोई चीज़ किसी ने रिश्वत दे दी कि ये काम कर दो, या कोई ज़रूर पूछे, और कोई हराम चीज़ आ गई है तो अल्लाह ना करे। वो इसलिए कि ऐसी दुनिया में, ऐसी जगह हम रह रहे हैं ना, तो इस्लामी मुल्कों में भी ये हो रहा है, इस छोड़ दे के हम रह कहाँ रहे हैं, सारी दुनिया एक हो गई है, वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल ना, तो ज़रूर देखा करें, क्योंकि वो बच्चे ना समझ होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, तो ये हम है ना माएँ बताएंगी। खूब तवज्जो और गौर से पढ़ते हैं। कैसी तवज्जो और गौर से, कि इब्ने अब्बास पढ़ रहे थे, हमारे परसों के दर्स में था, इकरमा रहमतुल्लाह अलैह उनके आते हैं अपने उस्ताद के पास, देखते हैं कि इब्ने अब्बास रो रहे हैं कि क्या, किन किन को अजाब मिलेगा, क्या वो भी इस कैटेगरी में आते हैं जो मछलियां तो पकड़ते नहीं है लेकिन लोगों को भी नहीं बताते हैं, और खूब रो रहे हैं, गौर व फिक्र करें। तो खूब तवज्जो और गौर व फिक्र से पढ़ना है, प्रूफ की दुरुस्त अदायगी करना है, तजवीज़ से पढ़ना है, जो है उसके मखारिज सही हो, हा काफ गैन वगैरह दुरुस्त हो बिल्कुल, वरतिल कुराना तरतीला, ठहर ठहर के पढ़ना है, लोगों को बतलाते हैं, उसकी कोई बात छुपाते नहीं है, उसके मोहकम बातों पर अमल करते हैं, जो हुकुम अभी अहकाम आपने बताए सारे उस पर अमल करते हैं, मुतशाबहात पर ईमान रखते हैं, उसमें शक व शुबा नहीं करते हैं उन लोगों की तरह, कुरैश मक्का की तरह, काफरों की तरह, कि इतनी बड़ी दोजख के क्या 19 दारोगा हो गए, तो इतना बड़ा अल्लाह का अर्श है तो उसको 8 फरिश्तों ने उठा लेंगे, हामिली ने अर्श जो है 8 होंगे, अच्छा तो अभी 4 ने उठाया हुआ है तो उस दिन क्यों 8, वगैरह वगैरह वगैरह। बस अल्लाह ने कह दिया आमन्ना सद्दकना, ये मुतशाबेहात में से, ये गैब है, आज नजर नहीं आ रहा है तो एक दिन तो ये आलिमुल गैब सब नजर आएगा हमें हशर के रोज। फिर कुरान की तिलावत के एटिकेट्स और आदाब, नीयत की दुरुस्तगी, नीयत साफ हो कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ, अगर तजवीद भी अच्छी तो जोर से भी पढ़ रहे हैं, तो ये ना हो कि मेरे शौहर सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, किसी महफिल में पढ़ रही हैं, अगला स्लाइड दिखा दीजिए, किसी महफिल में पढ़ रही हैं, हमें नजर नहीं आ रहा अगला स्लाइड, शायद टेक्निकल खराबी हो गई है। कुरान की तिलावत के आदाब, नीयत की दुरुस्तगी, के अब ये ना हो कि हाँ मेरी तो तजवीद बहुत अच्छी है, मेरे तो घर वाले, मेरा तो मद्दा बहुत अच्छा खींचती हूँ मैं,
और वगैरह वगैरह नियत दुरुस्त होनी चाहिए। मैं अल्लाह के लिए पढ़ी हूँ, समझ के पढ़ी हूँ, गौर तदब्बुर कर रही हूँ, और कोई नियत नहीं होनी चाहिए। कहीं आपको तिलावत के लिए भी कहा गया तो अल्लाह के लिए, ये नहीं कि लोग ये कहें कि वाह बड़ी अच्छी तजवीद है, बड़ी क्लासेस अटेंड की है, बड़े अच्छे पढ़ी हुई है। ठहर ठहर कर पढ़ना है, वरत तिल कुराना तरतीला, इसको ठहर ठहर के पढ़े। सूरह अल-फातिहा को तो खास तौर पर के जो है, अब देखे मुझे रफाकत बहन की बात याद आई, उन्होंने कहा मैं पॉज दे के पढ़ती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है हदीसों में के जो है अल्लाह ताला सूरह अल-फातिहा के एक एक आयत के बाद जवाब देते हैं ना, ठीक है। तो ठहर ठहर कर पढ़ना है सारी तमाम कुरान को, तेजी से ना पढ़ना कि वो आर्टिकुलेशन मखारिज भी गए और जबर भी गया, और जबर को जेर जेर को पेश बना दिया। गौर व फिक्र करते हुए पढ़ना है अल्लाह ताला की आयात कौनी में, कायनात में अगर आ गया कि इन्ना फी खल्क समावाती वल अर्ज, समावात और अर्ज जमीन आसमान का जिक्र हुआ तो गौर व फिक्र करें, किसी भी चीज़ का जिक्र हुआ तो गौर व फिक्र करना है कायनात में, और फिर जो है अल्लाह ताला के हुक्म दिए उसमें भी गौर व फिक्र करना है। और हमने आप मिसाल भी पढ़ी कि इब्ने अब्बास जो है कैसे रो रहे थे, और कैसे, सिर्फ इब्ने अब्बास नहीं, आप कुरान के साथ स्टूडेंट हैं मैं और आप, तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि कितनी कितनी बार एक एक आयत को पढ़ते थे जब तक समझ नहीं आ जाती थी, और अमल भी होते दौरान तिलावत, आयत पे रुकना है और तदब्बुर करना है, गौर व फिक्र करना। अभी आपने पढ़ा अफला ताकिनून, तुम क्या अकल नहीं करते हो रखते हो, अफला तदब्बुरून, क्या तुम तदब्बुर नहीं करोगे, गौर व फिक्र नहीं करोगे, अफला यशरून, क्या तुम शऊर नहीं रखते। अल्लाह की खशियत के साथ पढ़ना है, जब कोई ऐसी आयत आए तो आंखों में रोना आंसू आ जाना चाहिए। वजीलत कुलूबहुम, कुछ लोग कुरान को ऐसे पढ़ते हैं कि उनके दिल कांपने लगते हैं, और जो है उनकी स्किन पे भी असर होने लगता है, कपकपी होने लगती है। वही, और वो जो है ना सूरह अशर की आयत जो है कि अगर कुरान को पहाड़ों पे उतार दिया जाता तो क्या हो जाता, कि वो रेजा रेजा हो जाता। तो किसी ने कुरान को, पहाड़ ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, इंसान है उसने उसको कबूल कर लिया। तो अल्लाह के डर और खशियत से पढ़ना है, अगर जो आँख अकेले में अल्लाह की खशियत, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती है, उस आँख पर दोजक की आग हराम हो जाएगी। तिलावत कुरान पाक सुनने का तरीका, ये हमें सूरतुल, ये जो देखे ना आगे देखें, एक सूरत का नाम भी है और नंबर भी है। वईजा, जब कुरान पढ़ा जाए उसे खामोशी से सुनना चाहिए। वईजा कुरी अल कुरआनु फस्तमीउ लहू व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून, हमें अगला स्लाइड नहीं दिखा रहा है स्क्रीन। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जा से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ठीक है। ये आयत नंबर 204 है सूरतुल आराफ, ये आएगी भी। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है अगला तिलावत कुरान पाक? मुझे हाँ नहीं जी, मेरा लगता, ये लॉग आउट हो गया था, मैं दोबारा से भी ले ठीक लूँ। है ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप कर ले, आप कर। तो तिलावत कुरान पाक सुनने का तरीका इस आयत में हमें बता दिया गया कि किस तरह सुनना है। जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जे से सुना करो, हम क्या कर रहे होते, बातें कर रहे होते, बेअदबी कर रहे होते हैं, और खामोश रहना है। बिल्कुल, कैसे पढ़ना है, तवज्जो से सुनना है, तिलावत चलाई जाए, खामोश रहना है, तिलावत के बीच में बोलना नहीं है ताकि अल्लाह हम पे रहम करे। जब तिलावत चलती है उसको खामोशी से सुनते हैं तो अल्लाह का रहम हम पे नाजिल होता है, अल्लाह रहम करते हैं। तो इसलिए आराम से आप उठा लें, कोई बात नहीं। तो और जो है उसको सूरतुल आराफ आयत नंबर 204 है आपका आने वाला है ये सबक आगे इंशाल्लाह। और हम क्या करते हैं, हमें तो सबर ही नहीं है, सुनते ही नहीं। और स्कूलों में कहा जाता है कि बी अ गुड लिस्टनर, तो गुड लिस्टनर बने, और जहाँ बातें शुरू हो गई वहाँ तिलावत कलाम पाक को बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको खामोशी से सुनना है, तवज्जे से सुनना है। ऐसा करने से अल्लाह ताला की रहमत हम पर नाजिल होगी, ठीक है। ये आयत बता रही है अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है सूरह अल-आराफ वर्स 204 में। तिलावत कुरान पाक सुनना सीखने के लिए पहले गौर से सुनना जरूरी है। जब आप गौर से सुनेंगी तो तिलावत अच्छी आएगी, तजवीद भी आएगी। सबसे पहले इरादा अच्छा, अभी मैंने इरादा और नीयत बता दी थी आपको कि अल्लाह के लिए हो, किसी को दिखावा ना हो। बहुत तवज्जे से आप जो है कुरान को सुनेंगी, खामोशी से सुनेंगी, अभी आयत भी बता दी गई, तो ये तीनों चीज़ें जरूरी जरूरी है। मुख्तलिफ कुर्रा, कुर्रा जो है कारी की जमा है, तो मुख्तलिफ कुर्रा को सुना गया ताकि कुरान दिल तक उतर जाए। तो आप देखें ना, कारी मशारी राशिद को, शेख को सुनते हैं तो कुछ और हमारी जज्बाती कैफियत हो जाती है, और जो है हम जो है शेख गामदी को सुनते हैं तो हमारी वो, और शेख शेख हुज़ैफ़ी वगैरह को सुनते हैं तो कुछ और कैफियत होती, तजवीद सही हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कुरान पाक सुनने के आदाब।
कुरान पाक की तिलावत सुनने के आदाब, उंगली अल्फाज पर रखें, क्योंकि ताकि आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे, उंगली रखेंगे अल्फाज पर, कान आवाज पर रखें, बिल्कुल अपने कान मुतवज्जा आवाज पे करें जब सुन रहे हैं, निगाह कुरान पर रखें, आपकी आंखें कुरान पे हों, उंगली कुरान पे हो, कौन सी आयत पढ़ी जा रही है, मुकम्मल खामोशी हो, तवज्जे मानी पर गौर व फिक्र करें, मायनी जो हो रहे हैं उसके नीचे मायनी चल रहे होते हैं उस पर तवज्जा से मायनी सुने और स्टिल रहना है। बाद लोग झूम झूम रहे होते हैं ना, नमाज में भी हिल रहे होते हैं। अभी उस दिन तरावी में मैंने देखा एक बच्ची हिल रही है हिल रही है हिल रही है, मैंने कहा नहीं बेटा स्टिल खड़ी रहो, तो स्टिल खड़े रहना, अटेंटिव बिल्कुल, हिलना बिल्कुल नहीं कुरान पढ़ते वक्त भी, झूमना नहीं, सर हिला हिला के पढ़े होते, जो एक वो आदत पड़ी हुई तो मेरी तो निकल गई, मेरी भी थी, मैंने जब ये सब सुना ये नहीं करना है तो आदत निकल गई, कुरान पाक होता है हो जाती आदतें तो उसको निकालना भी आसान है, अल्लाह की खशियत और डरो, कुरान पाक सुनते हुए हिलना नहीं चाहिए, इससे तवज्जा हट जाएगी। नबी ससम की मजलिस में सहाबा कराम इतने स्टिल और फोकस होते थे कि परिंदे उनके सरों पर बैठ जाते थे और वो डरते नहीं थे, परिंदा चोंच मारेगा और मेरे भेजे को मेरी गुद्दी को खा लेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पता है अल्लाह की महफिल में कुछ नहीं होने वाला है, हम सलामत है, हम पे रहमत नाजिल हो रही है। तिलावत कुरान पाक सुनने का तरीका, सुनने के लिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, यानी दोहराई बहुत ज़रूरी है, उसको दोहराते रहना है ताकि अगर एक बार कुछ समझना आए तो बार बार रिपीट करने से समझ आ जाए। वही चीज़ जो आपने अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस मुबारक में पढ़ा था कि वो रोए जा रहे पढ़े जा रहे हैं एक ही आयत को। लिसनिंग के लिए दो कुर्रा ये हैं, कुर्रा कारी की जमा है, कारी हुज़ैफ़ी जो है शेख हुज़ैफ़ी को, कारी हुज़ैफ़ी को सुनेंगी तो आपकी तजवीद बहुत अच्छी होगी, कारी सादुल गांधी को भी सुने तो अच्छी हो जाएगी। दो मुख्तलिफ कुर्रा को सुनना ज़रूरी है, कारी हुज़ैफ़ी को अक़ल की नशोनुमा और कारी सादुल गांधी को जज्बाती नशोनुमा के लिए, और जो है मिशारी शेख मिशारी राशिद अल असाफ़ी को भी सुनने से जज्बाती नशोनुमा हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इसमें कमी नहीं है, क्लिक क्लिक का चक्कर है टेक्नोलॉजी, एक क्लिक करें तो जिस कारी को चाहे आप सुन लें। तिलावत कुरान पाक सुनने का तरीका, सीखने के लिए एक कारी को मुसलसल लंबे टाइम तक सुनना ज़रूरी है, अगर आपको सीखना है तो आप एक कारी को लंबे टाइम तक सुने ताकि वो एक उनकी आवाज़ उनका सारा तलफ़ुज़ उससे आप मानूस हो जाएं तो आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए एक कारी को मुसलसल लंबे अरसे तक सुनना ज़रूरी है ताकि सीखना और तवज्जा मुतासिर ना हो, तो क्योंकि आपकी तवज्जा फिर रहेगी एक ही तरफ और सीखना आसान हो जाएगा और एक ट्रैक बन जाता है ना, एक ट्रैक बन जाता है। जैसे आप कहते हैं कि फला बहुत नेक है, वो तो बस दीन की ट्रैक एक ही ट्रैक पे चल रहा है ना, तो एक ट्रैक बन जाता है सुनने, क्योंकि ये होता है ना बाज माए, एक मौलवी साहब से उठा, दूसरी मौलवी साहब तीसरे से उठा, चौथे के पास वो दोबारा दोबारा शुरू करता है, वो जो ट्रैक खत्म हो जाता है ना, तो उससे भी बच्चे कितने डिस्टर्ब होते हैं। सुनने के लिए तफसीर का कुरान पाक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे भी लिसनिंग मुतासर होगी। अब आप कुरान की तिलावत सुन रही, नीचे तफसीर और मीनिंग चल रहा है, तो आप कुरान के अल्फाज फिर उस पर तवज्जा नहीं रहेगी क्योंकि आपकी निगाह चली जाएगी मायने पे और तफसीर पे, तो उसके लिए सुनने का अगर वक्त है तो उसका अलग टाइम रख लें क्योंकि मायने और तफसीर भी पढ़ना है, तो लेकिन आप सिर्फ कुरान की को बहुत अच्छी तरह सीखना चाहती हैं कि मुझे याद हो जाए, मेरी तजवीद अच्छी हो जाए, मुझे मखारिज अच्छे हो जाए, मेरे मद्दा जो है लंबे हो जाए कि कौन सा मद 5 टाइम्स लंबा है, कौन सा मद 4 टाइम्स लंबा करना है, जब मैं स्टॉप पर आयत पे रुकूंगी तो मुझे कितना लंबा खींचना है क्या है, तो कुरान को सुनने के लिए तफसीर का कुरान पाक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उससे भी लिसनिंग मुतासर होगी, क्योंकि वो फिर सारा तजवीद के कवायद और सारे मद्दा और गुन्ना और यमनो ये सारी उससे इख्फा और इदगाम छोड़ के आप चली जाएंगी, आपकी निगाह उस पर चली जाएगी माने और उस पर तफसीर पे। तो कुरान को की तजवीद और अच्छा सीखने के लिए क्या करें, तफसीर वाला कुरान ना रखें, वो उसकी फिर अलग टाइम रख लें। ओके चले, अब उसके बाद हम 170 करके अल्लाह ताला जैसे कि उसका हक है कमा हक ही हमें अदा करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, हमारे अमल भी उसे वैसे ही हों और जैसे कि उसका हक है ऐसा हम उसको हक दें कुरान का इंशाल्लाह। जो जो हमने पढ़ा है स्लाइड्स आपने ले लिए होंगे और फिर जाके घर देखिएगा, ये आपकी किताब बनती जा रही, लेसन बनते जा, बल्कि मोबाइल से तो इरेज भी करना पड़ता है, हैवी हो जाता है गैलरी में, तो अगर आप लिख लें एक टाइम अपना बना लें, आपको अलग से पॉइंट्स लिख लें, जरूरी नहीं कि आप पूरे 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 ये नोट्स लिखें, तो आपको याद आ जाए। अब आयत नंबर 170 की हम करके फिर हम इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे, हमारा टाइम ये भी। सिस्टर रशीदा शकील अपना माइक म्यूट करना भूल गई है, जरा म्यूट कर लें अपना। जी अच्छा,
अब हम देखते हैं आयत नंबर 170 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तो हमारे स्क्रीन्स भी कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह, स्लाइड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको जजाए खैर दे। चले अब हम शुरू करते हैं आयत 170 इंशाल्लाह। अच्छा, वा और अल्लज़ीना, वो जो युमस्सिकूना, मजबूती से पकड़ते हैं, इमसक अरबिक में कहते थे, मैं वहाँ पे थी ना तो पकड़ने को कहते थे इमसक, इमसक बच्चों को जोर जोर से इमसक पकड़ो पकड़ो, युमस्सिकूना मजबूती से पकड़ते हैं, बिल किताबी किताब को, वाकामू और वह और अकामू वो कायम करते हैं, देखे पढ़ते नहीं कहा गया, कायम करते हैं, असलाता नमाज को, इन्ना बेशक हम, ये इन्ना और नून अलिफ, नून अलिफ फत्ता ना था, ठीक है, नून अलिफ जबर ना था, तो इन्ना ना, तो इन्ना तो तशदीद आ गए, दो नून मिल गए, इन्ना इन्ना बेशक ना हम, इन्ना बेशक हम, ला नहीं, नुदीउ नू हम, दीउ जाया करते, नुदीउ नहीं हम जाया करते, ला नुदीउ नहीं हम जाया करते, अजरा अजर अल मुस्लिहीन इसलाह करने वाले वालों का। अब रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं, जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम रखी, यकीनन ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर हम जाया नहीं करते। अब आप देखिए किताब के हमने सारा पढ़ लिया, आते हैं आयत की तरफ, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबे, और वो जो मजबूती से पकड़ते हैं किताब को, ठीक है, जो लोग किताब के पाबंद हैं, वाकामुस्सलाता, क्या जैसे कि हमने पढ़ा उसके हराम को हराम जानना, उसके हलाल को हलाल जानना, महकुमात पर यकीन करना, मुतशाबहात पर यकीन करना, जितना कुछ आपने सारे पढ़ी थी एक किताब एक स्लाइड सारे, तो उस तरह मजबूती से पकड़ना है, और अमल भी वैसे, अमल बहुत जरूरी, अमल भी वैसे हो, मजबूती से पकड़ना यानी अमाल भी ऐसे हो पढ़ने के अलावा, सारे उसके हक अदा करने के अलावा, हक का तिलावती अदा करने के अलावा, वो अकाम उसलाता, और वो जो नमाज कायम करते हैं, जो किताब अल्लाह के पाबंद हैं, और जैसे कि अभी तफसीर बताई गई, और नमाज की पाबंदी करते हैं, एक नमाज भी नहीं छोड़ते हैं, वक्त पे पढ़ते हैं और नमाज की पाबंदी करते, क्योंकि अव्वल वक्तों की नमाज अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये और बात है कि चलें हम डॉक्टर ऑफिस में हैं, कहीं रास्ते में हैं, कहीं जॉब पर हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप सस्म को दोनों तरह से नमाज का अव्वल वक्त भी जिब्रील अलैहि सलाम ने आके अव्वल वक्त में भी पढ़ा दी, और आखिर वक्त में भी हर नमाज पढ़ा दी, बता दी कि कौन सा अव्वल वक्त है कौन सा आखिर वक्त है, तो वो और बात है, लेकिन अगर घर में बैठी हैं और तो जल्दी अव्वल वक्त में पढ़ लें। तो जो लोग किताब के पाबंद हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, तो क्या होगा, इन्ना बेशक हम, ला नुदीउ नहीं जाया करते, अजर मुस्लहीन हम, अजर इसलाह करने वालों का, यानी हम जो है जो अपनी इसलाह करें सवाब, तो उसका हम सवाब जाया ना करेंगे। गलतियां हो गई, नई किताब पढ़ रहे थे, नमाजें नहीं कर रहे थे, अब इसलाह कर लें, अपने आप को करेक्ट कर लें, तो अल्लाह ताला हमारा अजर जाया नहीं करेंगे। उन लोगों में से जो तकवा का रास्ता, यानी ये कि उन लोगों में से जो तकवा का रास्ता इख्तियार कर लें, किताब को मजबूती से थाम लें। आप सच ने फरमाया कि इसका एक सिरा अल्लाह के पास आसमान में है और एक सिरा दुनिया में, उसको मजबूती से थाम लो, जिससे मुराद, और ये उनको कहा गया था बनी इसराइल को, कि उससे मुराद असली तौरात है, और जिस पर अमल करते हुए नबूवत मोहम्मदी पर ईमान ले आए, अब उनकी तौरात में भी था, तो उसको मान लो तौरात को उसके, और उस पर अमल करो तौरात को, और अब तौरात पर अमल करते हुए नबूवत मोहम्मदी पर ईमान ले आए, क्योंकि आप ससम आ चुके थे, उनकी बेइज्जत हो गई थी, और ये देख रहे थे इनकी किताबों में ही सब था, नमाज वगैरह की पाबंदी करो, मोहम्मद नबूवत मोहम्मदी पर ईमान ले आओ, नमाज वगैरह की पाबंदी करो, तो अल्लाह ऐसे मुस्लहीन को का अजर ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ताला ज़रूर उनको सवाब देगा, अल्लाह ताला अजर ज़ाया नहीं करे। वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, वमन यअमल मिसकाला शर्रतिन खैरन यरा, राय के दाने के बराबर भी नेकी हमने की होगी तो वो वहां पाएंगे, और उतना शर किया होगा तो वो हम पाएंगे, ठीक है। और यहाँ अल्लाह ताला ने अहले किताब से खिताब किया है कि अब अपनी तौरात में तुमको ईमान ले आओ, उस पर अमल करते हुए नबूवत मोहम्मदी पर ईमान लाए, अब आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तौरात भी यही कह रही और आखिरी किताब ये है, तो इसको मान लो और इस पर ईमान ले आओ, और जो कुछ इसमें कहा गया नमाज वगैरह की पाबंदी करो, तो तुम्हारे अजर ज़ाया नहीं होंगे। तो बतौर खास यहूद का जिक्र है, जो तकवा तमस्सुक या किताब
और अकामत सलात का एहतमाम करें तो और उनके लिए आखिरत की खुशखबरी है। उसका मतलब यह है कि वो मुसलमान हो जाए, रिसालत मोहम्मदिया पर ईमान ले आए, क्योंकि अब पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन पर ईमान लाए बगैर निजात अखरवी मुमकिन नहीं, आखिरत की निजात मुमकिन ही नहीं उनके लिए। तो हम देखते हैं कि अच्छा, आप जैसे कि आयत में पढ़ा, जैसे दूसरी आयत में कि उनके बाद ऐसे नाखल्फ आए जिन्होंने नमाज तक ज़ाया कर दी, बनी इसराइल का आवे का आवा बिगड़ गया। आज एक काजी को बनाते हैं, वो रिश्वतें खाते और अहकाम बदलने लगता है, वो उसे हटा कर दूसरे को कायम मकाम करते हैं, उसका भी यही लाल होता है। पूछते हैं, भाई ऐसा क्यों करते हो? उस काजी का भी जवाब मिलता है, अल्लाह गफुर रहीम है। फिर वो उन लोगों में से किसी और की उन लोगों में से किसी को इस ओहदे पर लाते हैं, दूसरे काजी को, जो अगले काजियों हाकमों और जजों का शाकी था, लेकिन वो भी रिश्वतें लेने लगता है। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, हालांकि तुमसे मजबूत अहदो पैमान हमने ले लिया है कि तुम हक को जाहिर क्या करो, उसे ना छुपाओ, लेकिन ये जलील दुनिया की लालच में आकर अजाब रब मोल ले रहे हो। इसी वादे का बयान वही जख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना उतुल किताबा आयत के आखिर तक, यानी अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा से अहद लिया था कि वो किताब अल्लाह लोगों के सामने बयान करते रहेंगे और उसकी कोई बात ना छुपाएंगे। ये भी उसके खिलाफ था कि गुनाह करते जाले चले गए, तौबा ना करें और बख्शिश की उम्मीदें रखें। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने पास के इस अजर व सवाब का लालच दिखा था। जब भी आपने आयत में पढ़ा कि अगर तकवा किया, हराम से बचे, ख्वाहिश नफसानी के पीछे ना लगे, रब की अतात की, अतीउल्लाह और रसूल, तो आखिरत का भला तुम्हें मिलेगा जो इस फानी दुनिया के ठाठ से बहुत ही बेहतर। ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली, वहां उठेंगे तो कहेंगे मैं तो दिन का एक हिस्सा रहा था, कोई कहेगा यौम अबाद यौमिन, एक दिन और दिन का हिस्सा रहा था, कोई कहेगा कि बस थोड़ा सा रहा था, एक शाम रहा था। क्या तुम में इतनी भी समझ नहीं कि गिरा बहा चीज को छोड़कर रद्दी चीज के पीछे पड़े हो? फिर आसमान से मनोसलवा आता था और कहते थे जमीन के हमें चाहिए अदरक और ककड़ी, लहसुन और ककड़ी और दाल और ये सब कुछ, तो उन्हें बहुत सी आला चीजें दी गई। तो अल्लाह ताला फरमाते बहुत सी नेमतें दी गई कि क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आया कि गिरा बहा चीज को छोड़कर रद्दी चीज के पीछे पड़े हो? और हमारे लिए भी है, इतना अच्छा कुरान महफूज मौजूद है, महफूज है, आदि से मुबारक है, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, टेक्नोलॉजी है, तो क्यों ना हम अभी हमने पढ़ा कि हक्का तिलावती ही क्या है, सारा कुछ जो है आजकल तो क्लिक क्लिक का चक्कर है और इतनी काम हो रहा है दीन का, इतनी क्लासेस लगती हैं, तो तुम गिरा तो इतनी भी समझ में नहीं कि गिरा बहा चीज को छोड़कर रद्दी चीज के पीछे पड़े हो? फिर जनाब बारी अज़्ज़ोजल इन मोमिनों की तारीफ करता है जो किताब अल्लाह पर कायम है और उसकी किताब की रहनुमाई के मुताबिक इस पैगम्बर आखिर जमा की इतबा करते हैं, कलाम रब पर जम कर अमल करते हैं, अहकाम इलाही को दिल से मानते हैं, चाहे वो मुहकमात हो मुतशाबहात हो, दिल से मानते भी हैं और बजा लाते हैं, अमल भी करते हैं, उसके मना करदा कामों से रुक गए हैं, नमाज को पाबंदी, दिलचस्पी, खुशु और खुजू, अज़ुल व तजल्लुल, अज़ुल व तजल्लुल से अदा करते हैं, अल्लाह के लिए ह्यूमिलिएट हो जाते हैं। हकीकन यही लोग इस्लाह पर हैं, यही मोहसिनीन हैं। नामुमकिन है कि इन नेक और पाकबाज लोगों का बदला अल्लाह ताला जाया करे। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिलकिताबी वक़ामुस्सलाता इन्ना ला नुदियु अजरल मुस्लिहीन, के अल्लाह ताला जो है जो लोग किताब के पाबंद हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों को जो अपनी इसलाह करें सवाब ज़ाया नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में से बना दे कि हम जो है खुशु व खुजू से नमाज पढ़ें, अल्लाह के कलाम पर जम कर अमल करें और अहकाम इलाही को दिल से माने और अमल में ले आएं, उसकी मना करदा कामों से रुक जाएं, नमाज को पाबंदी वक्त से पढ़ें, अव्वल वक्तों में पढ़ लें अगर कोई मजबूरी नहीं है, दिलचस्पी से खुशी व खुजू से अदा करें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारा हमें ज़रूर अजर देंगे। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इन्ना ला नुदिया अजर अल-मुस्लिहीन, कि हम इसलाह करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला अल्लाहुम वजलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बनाते। वाखिर तो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह, हमारा टाइम भी हो गया, आप सबका रोज़ा भी है, कल भी रोज़ा होगा 9 और 10 मुहर्रम का। तो अल्लाह ताला कबूल करे हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को। अल्लाह ताला
بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر کی بارک اللہ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو وہ حقہ تلاوتی سے کچھ پوچھنا ہو کچھ کہنا ہو تو کہہ دیں شناز میں یہ پوچھنا ہے کہ آج نواں محرم ہے نا جی جی آج نائن ہے جی 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 بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح صحیح روزہ رکھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے نا اچھا ہمارے میں شیدہ بول رہی ہوں میں معافی چاہتی ہوں میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی لیکن یہ میں نے دانستہ طور پہ میں نے وہ انمیوٹ نہیں کیا تھا میرا خود ہی میرا ہاتھ لگا تو انمیوٹ نہیں نہیں وہ غلطی سے معافی چاہتی ہوں کوئی بات نہیں کلک کلک کا چکر ہے آپ کو پتا ہے اس دن ہمارا وہ کیا چل رہا تھا کون سا پروگرام چل رہا تھا تو میری ویڈیو چل گئی تھی میری ویڈیو کلک ہو گئی اب مجھے کرنا نہ آئے میں تین گیجٹ سے تھی تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے اللہ میں کیا کروں میں کہا میں بولوں گی تو ڈسٹربینس ہوگا اسکرین پہ نا آپ لوگ مجھے سمجھانے لگ جائیں گے نہیں 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 اس وقت آپ ابھی لیکچر دے نہیں رہی تھی اور میرا یہ رسٹ جو تھی نا ٹوٹ گئی تھی نا میں بتایا تھا نا آپ کو تو میں پلاسٹر لگا ہوا تھا